2018 में उन्होंने एमकेएम से कराची को आजाद करवाया था, अब दोबारा कराची पे कब्जा कर लिया गया। ये मेरे जमाने में ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। कब्जा की बात कर रहे हैं, हम पीटीआई के लोगों की जो है वो प्रॉब्लम समझते हैं। हमें भी हमारे ऊपर भी एक ऐसा टाइम था कि भाई भाई का मूड खराब ना हो जाए, भाई के दिमाग में उतर के भाई को खुश करने की कोशिश करते थे, तो उनका भी भाई जो है ना वो इनकी ऐसी की तैसी जो है वो करता अगर ये काम ना करे। मुतबा भाई क्यों आना हुआ है हाईकोर्ट आपका आज? चलो ये बता दें क्यों आना, आप लोगों को नहीं पता क्यों आना हुआ है, फिर भी इधर बता दो। हमें तो हम आपके अच्छा मेरा सवाल ये है कि परसों एक कन्वेंशन हुआ सिटी कोर्ट में, उसमें साबिक सदर आरिफ अलवी साहब और दीगर जो इनके एमएनएज हैं तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि 2018 में उन्होंने एमकेएम से कराची को आज़ाद करवाया था, अब दोबारा कराची पर कब्जा कर लिया गया। वेल आई थिंक जिस मनसब पर वो रहे उस मनसब के अहल थे नहीं, वो सदर बनने के अहल थे नहीं, वो अपनी जो है ना वो लोकल पैटी इश्यूज से बाहर आने से, और ये मेखल सदर के रुतबे ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो अभी भी वहीं गली के बेसिकली ये सब लोग पीटीआई के जो लोग हैं वो दे आर प्लेइंग इनटू द गैलरी। हम तो इस दौर से गुजर चुके हैं ना, उनके लीडर हैं वो सुनना चाहते हैं कि आप जब तक गाली नहीं बकेंगे तो वो जाके जेल में मिल नहीं सकते, और वरना अगर नहीं गाली बक कर जाएंगे या ऐसी बातें करके नहीं जाएंगे तो उनको जेल में गालियां सुननी पड़ेंगी। तो हम पीटीआई के लोगों की जो है वो प्रॉब्लम समझते हैं कि वो जो बाहर आकर जो चीख चीख कर जो लोगों को गालियां बक रहे हैं और ये सारा तमाशा उन्होंने मचा रखा है, बेसिकली उनको जाकर अगर वो ही नहीं करेंगे तो उनको जाकर जेल में गालियां सुननी पड़ेंगी इमरान खान साहब की। तो हमें भी हमारे ऊपर भी एक ऐसा टाइम था कि भाई भाई का मूड ख़राब ना हो जाए, भाई के दिमाग में उतर के भाई को खुश करने की कोशिश करते थे, तो उनका भी भाई जो है ना वो इनकी ऐसी की तैसी जो है वो करता है अगर ये काम ना करे। दूसरी बात ये कि 2018 में पीटीआई ने इस शहर पर कब्ज़ा किया था आरटीएस सिस्टम बंद करके, 9:15 बजे पोलिंग एजेंट्स को बाहर गन पॉइंट पे बाहर निकाल कर गिनती नहीं की। तो सबको पता है ना भाई, ये पहला इलेक्शन था 2018 का जहाँ पर पोलिंग एजेंट्स के सामने वोटों की गिनती हुई नहीं है, उनको 9:15 बजे बाहर निकाल के कहा गया जाओ आर ओ से जाकर रिजल्ट लेना। 3 दिनों तक कराची का रिजल्ट नहीं आया था, कोलू का, वजीरिस्तान का, अफगानिस्तान के बॉर्डर का रिजल्ट आ गया, कराची का रिजल्ट नहीं आया था। और जब रिजल्ट आया तो 14 सीटें ले ली उन्होंने। ऐसे हालात थे, ये रिकॉर्ड पे है कि जब ये जीत कर यहां से लोग पहुंचे इस्लामाबाद तो इनके लीडर इमरान खान साहब उनको देख के कहते अबे तू भी जीत गया, ये आवाज़ें लगती थी वाकई। तो इनको ये जेब नहीं देती ये सारी बात, इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है इन्हीं सारे एटीट्यूड के ऊपर। एमक्यूएम ही इस शहर को उसने संवारा है, सींचा है, इसकी खिदमत की है। मेरे ज़माने में ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। कब्ज़ा की बात कर रहे हैं आज हम जो है वो सर उठाकर चलते हैं इस मुल्क में, इस शहर में। मुझे 16 साल हो गए इस पोस्ट को छोड़े हुए, लेकिन आज मुझ पर जो है, मैं एमक्यूएम का मेयर था, मुझ पर 1 रुपये भी हराम कमाने चोरी करने का इल्ज़ाम कोई लगा नहीं सकता इस शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने शहर की आबियारी की है भाई, जब शहर रात में सोता था तो मैं और मेरे साथी जाकर इस शहर को बनाया। हमने कैसे कह सकते हैं कि हमने शहर पर कब्ज़ा कर रखा था? नहीं, हमने शहर की खिदमत की है।